रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण आंदोलन। बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से बुद्धि वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई तथा वे आडंबरपूर्ण रीति रिवाज से हटकर भक्ति एवं योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों ने रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। रामकृष्ण ने छोटी सी आयु में ही आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति कर ली। उन्हें मौजूदा हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके मौखिक वाक्य ही उनकी शिक्षाएं समझी जाने लगी। उन्होंने चिंतन, संन्यास एवं भक्ति के परंपरागत तरीके से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, लेकिन इन मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा है, क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने अपनी मानवता और आध्यात्मिकता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया। इन्हीं विद्यार्थियों में एक का नाम है नरेंद्र दत्त, जो आगे चलकर विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। उन्होंने ध्यान और भक्ति को पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण के सम्मिलित उपयोग के रूप में ईश्वर उपासना का उपाय बताया। उन्होंने कहा, सभी धर्मों का आधार एक है, राम, हरि, यीशु, अल्लाह, सभी एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, तथा विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के तरीके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 में बंगाल में हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था? गद्दाधर चट्टोपाध्याय इनके बचपन का नाम था। रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे वो स्वामी विवेकानंद हैं और स्वामी विवेकानंद ही रामकृष्ण परमहंस के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद हैं, जो इनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके जाते हैं। 16 अगस्त 1886 को 50 साल की उम्र में कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है।